नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टाइवे तालुक में। मैं गौरव निरंजन आपका अपने भूगोल विषय में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के साथ साथ अन्य विषय जो आप लिए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अन्य विषय कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि न केवल वह बच्चे जो मेरा विषय पढ़ते हैं बल्कि वह बच्चे भी जो कोई अन्य विषय पढ़ते हैं वह भी हमारे अपने हैं और हम हमेशा यही कामना करते हैं भगवान से, हम क्या पूरा संस्थान हमारा यही कामना करता है भगवान से कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने आज से 4 से 5 महीने पहले जो सपना देखा था टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का, वैकेंसी आई, फिर से वैकेंसी चली गई और फिर से वैकेंसी आई है, तो एक स्वर्णिम अवसर है, यह एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपना मकसद, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और आपका लक्ष्य क्या है? तो आपका लक्ष्य है अच्छे अंकों के साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना। हमारे और आपके संस्थान के द्वारा टीजीटी पीजीटी का बैच संचालित किया जा रहा है। आपको कुछ टीचर के डेमो मिल गए होंगे, उसी क्रम में आज मेरा भूगोल का डेमो है। इसके पहले भी हमने कुछ डेमो अपने दिए थे जब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का और एक लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से जुड़ जाएंगे जहां पर हमारे अन्य वीडियो पड़े हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि किसी भी विषय का या किसी भी टीचर का आकलन आप एक वीडियो से नहीं कर सकते हैं, आपको आकलन करना होगा, उसके 2-4 वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी बैच के हैं, किसी भी आप बैच में पढ़ रहे हो, चाहे वो पीसीएस का बैच हो या फिर पढ़ चुके हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का बैच हो, चाहे आपका सुपरटेट का बैच हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का बैच हो, तो जरूर अपने सकारात्मक कमेंट्स यहाँ पर करें और बताएं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक आपकी क्लासेस संचालित की जा रही है। अब जब परीक्षा की घड़ी आने वाली है, कुछ समय के बाद फॉर्म आपका फिलअप होने लगा है 16 तारीख से, जब परीक्षा की डेट आ जाएगी आपके सामने तो हम अपनी स्पीड को और बढ़ा देंगे और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से कराएंगे। इस तैयारी के क्रम में देखिएगा संस्थान की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, इस नंबर पर आपको इस नंबर पर एंट्री लिखकर सेंड करना है टीजीटी पीजीटी प्लस अपना विषय। मान लीजिएगा भूगोल विषय लिए हैं तो ज्योग्राफी लिखिएगा, इतिहास लिए हैं तो हिस्ट्री लिखिएगा, ठीक ना, आप बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी लिखिएगा, मैथ लिए हैं तो मैथमेटिक्स लिखिएगा, ठीक ना, तो आप लिखिएगा। साथ ही साथ इस बैच की विशेषताएं क्या है, तो इस बैच की विशेषताओं को 1 मिनट सुन लीजिएगा, फिर मैं अपना वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। टीजीटी पीजीटी बैच की विशेषताएं, प्रतिदिन आपको 1 आवर्स की प्रतिदिन क्लास दी जाएगी रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्लास दी जाएंगी, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है कि कम चीजें दे पाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में अधिक मात्रा में चीज जाती है। तो 1 आवर्स की जो क्लासें हैं, आपको 2 प्रकार के नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स और साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स जो आपका स्टडी मटेरियल में हो गया। आपको जो आपके रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो लाइव डाउट सेशन होगा आपका। उसके बाद टेस्ट आपका हमेशा लाइव ही होगा। मैराथन रिवीजन होगा, जब परीक्षा की डेट आ जाएगी तो उस समय मैराथन क्लासें दी जाएंगी आपको, और साथ ही साथ में आपको आपके विशेषज्ञों के द्वारा, आपके टीचरों के माध्यम से एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं। अन्य किसी समस्या के लिए ये हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की किसी भी बैच से संबंधित सूचना आप ले सकते हैं। स्क्रॉलिंग में भी हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। आइएगा, तो मैं भूगोल को एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूं और जहां से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है भू आकृति विज्ञान। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ठीक ना, यहां समझिएगा। क्योंकि देखिएगा भूगोल विषय की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल विषय केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, भूगोल विषय एक तो डिपेंड करता है किस पर, मानचित्र पर और डायग्राम पर, और दूसरा डिपेंड करता है आपके शब्द पर। यदि आप किसी कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी शब्दावली होगी, उस शब्दावली का यदि आपको अर्थ मालूम हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिएगा टॉपिक का नाम, जैसे मैंने कहा टॉपिक का नाम है भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। अब यहां पर आपके सामने देखिएगा 3 शब्द हैं, भू आकृति और विज्ञान।
तो विज्ञान का मतलब है वास्तव में देखा जाए तो पूरा का पूरा भूगोल विज्ञान है। अभी मैं यहां पर देखिएगा जो टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी आपको उसमें अधिकांश विज्ञान के फॉर्मूले में यूज करूंगा। तो भूगोल विज्ञान है और विज्ञान में हम तत्वों से ज्यादा, तथ्य जो होते हैं, फैक्ट जो होते हैं, उससे ज्यादा हम सिद्धांतों पर बात करते हैं, उससे ज्यादा हम प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हम तथ्यों का आधार नहीं बनाते हैं, बल्कि हम आधार बनाते हैं सिद्धांत का, आधार बनाते हैं अपनी थ्योरी का। भू का मतलब यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो भी आकृतियां पाई जा रही हैं उन आकृतियों का हम जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली आकृतियों का अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान कहलाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। जियोमॉर्फोलॉजी, अब देखिएगा इसी जियोमॉर्फोलॉजी में हमें पृथ्वी पर जो आकृति है, पृथ्वी पर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, पृथ्वी पर जो लैंडफॉर्म है, उनका हमें क्या करना है, उनका हमें अध्ययन करना है। इसी को अगर आप दूसरे भाषा में नाम देंगे तो इसी को एक नाम दिया जाता है और इसको नाम दिया जाता है स्थल मंडल। अगर हम कहें कोई भी आकृति है तो उस आकृति का विकास कहां पर होगा, तो उस आकृति का विकास होगा स्थल मंडल पर। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है ना, या फिर आपका चट्टाने हैं, आपका बर्फ के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, तो इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण कहां पर होगा, स्थल मंडल पर। और अगर स्थल मंडल को हम बात करते हैं कि स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्थल मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है लिथोस्फियर। स्थल मंडल को इंग्लिश में एक नाम दिया जाता है और इंग्लिश में स्थल मंडल को नाम दिया जाता है लिथोस्फियर। यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द है लिथो और एक शब्द है स्फीयर। यहां पर लिथो का अर्थ है चट्टान, यहां पर लिथो का अर्थ क्या है, तो यहां पर लिथो का अर्थ है चट्टान, और स्फीयर का अर्थ क्या है, तो स्फीयर का अर्थ है मंडल। लिथो का अर्थ क्या है, तो लिथो का अर्थ है चट्टान, और स्फीयर का अर्थ क्या है, तो स्फीयर का अर्थ है मंडल, अर्थात चट्टानों से निर्मित मंडल को, अर्थात चट्टानों से निर्मित मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक ना, यहां पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं, चट्टान से निर्मित मंडल को स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। एक छोटी सी हमारी डेफिनेशन हो गई, हमने दो डेफिनेशन आपको बताई। देखिएगा, एक तो होता है किताबी ज्ञान, आपको किताबी ज्ञान भी आवश्यक है और व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। मैं आपको ऐसा भूगोल पढ़ाऊंगा और पढ़ाता भी हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि अधिकांश चीजें हमें भारी भारी शब्दों पर नहीं जाना है, हमें छोटे छोटे शब्दों पर जाना है और उन छोटे छोटे शब्दों का क्या अर्थ है हमें वह अर्थ ज्ञात करना है। साफ साफ लिखा, लिथो का अर्थ है चट्टान और स्फीयर का अर्थ है मंडल। जैसे देखिएगा एटमोस्फियर, तो एटमोस्फियर होता है एटमो का, एटम का मतलब होता है वायु और स्फीयर का मतलब होता है मंडल। वायु से निर्मित मंडल को हम एटमोस्फियर कहते हैं। जैसे होता है उष्णोग्राफी या फिर समुद्र विज्ञान बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो वह भी एक प्रकार का क्या है, मंडल है। ठीक ना, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, तो हाइड्रो का मतलब जल है और स्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर का मतलब है मंडल। तो यहाँ पर लिथो का अर्थ चट्टान है और स्फीयर का अर्थ मंडल है, यानी चट्टानों से निर्मित जो मंडल है उस चट्टानों से निर्मित मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं और स्थल मंडल को ही दूसरा नाम दे दिया गया भू आकृति। अब ये चट्टानें कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हो जाता है, और जब विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का विकास हो जाएगा, कहां पर, भू मतलब पृथ्वी पर, तो उनका जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन को हमने क्या नाम दे दिया गया, उस अध्ययन को नाम दे दिया भू आकृति विज्ञान। क्या नाम दिया गया, उस अध्ययन को नाम दे दिया गया भू आकृति विज्ञान। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिएगा, जो आज हम भू आकृति विज्ञान में आपको जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, और भू आकृति विज्ञान में जो हम टॉपिक पढ़ाने आपको चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक ना, हमें पृथ्वी के अंदर चलना है। अब देखिएगा,
वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा का पूरा है तो भूगोल का भाग, लेकिन पूरा का पूरा इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो साइंस के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? साइंस के आधार पर करें। कैसे? तो पृथ्वी के अंदर की संरचना देखनी है हमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखनी है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप देखेंगे कैसे, क्योंकि पृथ्वी का अंदर का भाग तो दृश्य योग्य नहीं है, यानी दिखाई देने वाला नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि बताइएगा क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, या पृथ्वी के नीचे किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, किस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं, तो यह ज्ञात करना कठिन कार्य है पर असंभव नहीं है। कोई भी कार्य कठिन तो हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता है। आपने बड़ा अच्छा एक फेमस डायलॉग सुना होगा, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। पृथ्वी की आंतरिक परतों का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना कठिन कार्य तो है लेकिन असंभव नहीं है। हम संभव बना सकते हैं और इस चीज को संभव बनाया गया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कह सकते हैं, अध्ययन कठिन कार्य तो है पर असंभव नहीं, असंभव नहीं। आप एक बात समझिएगा, बार बार मैं विज्ञान पर जोर दे रहा हूं आपसे, जहां पर मानव सोचना बंद करता है वहीं से विज्ञान सोचना प्रारंभ कर देता है, जहां से मानव सोचना बंद करता है या जहां पर मानव सोचना बंद कर देता है वहां से विज्ञान सोचना प्रारंभ करता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मानव ज्ञात नहीं कर सकता कि किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, लेकिन विज्ञान के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए मैंने लिखा, मोटिवेट भी कर रहा हूं आपको पढ़ाने के साथ साथ, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कठिन कार्य तो है पर असंभव नहीं। तो पृथ्वी का, फिर आप कहेंगे कि सर असंभव नहीं है तो किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं, कुछ अध्ययन किए गए हैं और इनको नाम दिया जाता है पृथ्वी की आर्थिक संरचना से संबंधित अध्ययन और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित तीन प्रकार के अध्ययन किए गए हैं, तीन प्रकार के अध्ययन किए गए हैं, ठीक ना, तीन प्रकार के अध्ययन किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला किया गया है अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन, एक किया गया है प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन, और एक किया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन। तो एक अध्ययन है हमारा अप्राकृतिक यानी आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक अध्ययन। एक हमारा अध्ययन होगा कौन सा? प्राकृतिक अध्ययन, प्राकृतिक। और दूसरा अध्ययन हमारा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य के आधार पर। ये तीन प्रकार के हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एक एक से करते हैं। तो यहां पर देखिएगा अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह सकते हैं, अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले इसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे किस चीज का? घनत्व का, डेंसिटी का, डी से डिनोट करते हैं। दूसरा अध्ययन करते हैं हम
दबाव का, प्रेशर का, ठीक ना, पी से डिनोट करते हैं, और तीसरा अध्ययन इसी में करेंगे तापमान का, टेम्परेचर का, ठीक ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, आंतरिक परतों का अध्ययन करने के लिए जो अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर अध्ययन किया गया उसमें कौन कौन शामिल है, घनत्व शामिल है, दबाव शामिल है और तापमान शामिल है। घनत्व शामिल है, दबाव शामिल है या दाब शामिल है, और साथ ही साथ में क्या शामिल है, साथ ही साथ में शामिल है तापमान, ठीक है, तापमान शामिल है। एक एक से हम बात करते हैं, तो एक एक से बात करते हैं। तो यहां पर पहले एक डायग्राम देखिएगा, एक डायग्राम देखिएगा। मान लीजिएगा अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी है, अगर हम आपसे कहें पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम और आप यहां हैं, इस पृथ्वी पर हम और आप यहां हैं, और ये पृथ्वी का सेंटर है, मतलब यहां पर हम और आप पाए जाते हैं, सतह है ये, और ये पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र, सेंटर है। बताइएगा कि पृथ्वी के अंदर किस किस अवस्था में पदार्थ पाए जा रहे हैं, या पृथ्वी के अंदर में क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, या कौन कौन सी परतें पाई जा रही हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो देख पाना संभव है ही नहीं, यही तो मैंने कहा कि पृथ्वी के अंदर की परतों को देख पाना संभव नहीं है, पर इनका अध्ययन हम करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों को देख पाना तो संभव नहीं है, पर इन पर अध्ययन किया जाएगा, यानी कठिन कार्य है पर असंभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया ये गया कि पृथ्वी के एक चाप को काट लिया गया, मतलब यहां से हमने एक एरो लगाया, एक यहां से लगाया, और बीच वाले भाग को हमने उठा लिया। जब आप बीच वाले भाग को इसको उठाएंगे तो आपको ये कुछ ऐसा समझ में आएगा। जब इसको आप उठाएंगे तो देखिएगा इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है, इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है, ये है, एक परत ये है, एक परत ये है ना, अंदर वाली में एक परत ये है और उसके अंदर एक परत ये है, एक केंद्र है। इस प्रकार से एक संरचना हमने काट ली, मतलब इस प्रकार से एक संरचना हमने काट ली। यहां पर हम और आप हैं, बी एंड यू, पर्वत पठार मैदान हमारे यहां पर है, और ए अंदर की क्या है, ए अंदर की परत है। अभी मान के चलिएगा, अभी हमें परतों की नहीं जानकारी, बस आप इतना जानिएगा कि इस प्रकार से हमने पृथ्वी की संरचना ले ली। इस प्रकार से संरचना लेने का मतलब ये है कि यहां पर मैं आपको पहला अध्ययन करा रहा हूं, घनत्व पर आधारित अध्ययन, और घनत्व पर आधारित अध्ययन करने के लिए मैं इस प्रकार की एक पृथ्वी का आकृति बनाऊंगा, पृथ्वी का यह एक अनुप्रस्थ काट है, पृथ्वी का यह एक अनुप्रस्थ काट है, और यहां पर यह क्या है, यहां पर यह सेंटर है, और यहां पर यह क्या है, तो यहां पर यह सरफेस है, यानी सरफेस यानी सतह है, यहीं पर हम और आप हैं, सरफेस पर यानी सतह पर हम और आप हैं। हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी चट्टानों से निर्मित है, पृथ्वी किससे निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है, मतलब यहां पर चट्टानें पाई जा रही हैं, मतलब यहां पर क्या पाई जा रही हैं, यहां पर बहुत सारी क्या है, चट्टानें, बहुत सारी यहां पर चट्टानें हैं। तो मैं इस प्रकार से यहां पर चट्टानें बना दे रहा हूं, आपको याद रखना है यह चट्टानें हैं, ठीक ना, अच्छे समझिएगा। मैं आपको डायग्राम पर ज्यादा प्रेशर करूंगा कि आप डायग्राम जितने अधिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे उतने अधिक से अधिक आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अब मैं अपनी कहानी प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम घनत्व पर आधारित अध्ययन की बात कर रहे हैं, घनत्व पर आधारित अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्राकृतिक स्रोतों में सबसे पहले हम घनत्व पर आधारित अध्ययन करते हैं, घनत्व पर आधारित अध्ययन। और घनत्व पर आधारित अध्ययन करने के क्रम में आपको पहले तो मैं ये बता देता हूं कि पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या आप जानते हैं कि औसत शब्द कब यूज किया जाता है, एवरेज शब्द। एवरेज शब्द जब यूज किया जाता है जब भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि ये 4 बालक हैं या 5 बालक हैं, किसी की उम्र 18 है, किसी की 19 है, किसी की 20 है, किसी की 21 है, किसी की 22 है, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। हम कहेंगे औसत, इनकी औसत आयु क्या है, तो औसत आयु आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबकी आयु को जोड़ेंगे और फिर जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, ऐसी तो औसत निकालते हैं।
तो औसत शब्द हमने इसलिए यूज किया क्योंकि प्रत्येक की आयु में क्या पाया जा रहा था, प्रत्येक की आयु में अंतर पाया जा रहा था। तो अगर यहां पर औसत शब्द यूज किया गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले भाग में घनत्व अलग होगा, हो सकता है मध्यवर्ती वाले भाग में घनत्व अधिक होता अलग होगा और केंद्र में घनत्व अधिक हो अलग होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अंदर की परतों में घनत्व जाने पर बढ़ रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, अभी तो हमें मालूम नहीं है ना। मुझे तो मालूम है लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अभी आपको मालूम नहीं है, आपको मैं सिखा रहा हूं। तो अंतर पाया जा रहा है, इतना पता है अंतर पाया जा रहा है पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में अंतर पाया जा रहा है। अब यह अंतर किस प्रकार पाया जा रहा है, यह तो अंदर की परतों में जाएंगे घनत्व बढ़ेगा तब भी अंतर पाया जाएगा, घनत्व घटेगा तब भी अंतर पाया जाएगा, यही तो हमें जानना है। तो चूंकि घनत्व अलग अलग है पृथ्वी पर, प्रत्येक स्थान पर घनत्व अलग अलग है, इसलिए हमने क्या शब्द यूज किया, हमने शब्द यूज किया औसत घनत्व। क्या शब्द यूज किया, औसत घनत्व। एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है स्वेस महोदय, और स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक परतों को रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजित किया। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा सा समझा रहे हैं। स्वेस महोदय के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक परतों को रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजित किया गया, और रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने तीन प्रकार की परतें बताई। सबसे ऊपर वाली परत जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इन्होंने कहा यह सियाल है। दूसरी वाली परत जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इन्होंने कहा ये सीमा है। मैग्नीशियम का हालांकि Mg होता है लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए SiMa लिखा। और जो निचली परत है इसमें निकल और आयरन पाया जाता है, इसलिए इन्होंने इसे नाम दिया निकल और आयरन पाए जाने कारण नीफे। जो सबसे ऊपरी परत होती है सिलिका, इसको भूपरपरटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपरपरटी। जो मध्य वाली परत होती है इसको क्या कहते हैं, या इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभार, मेंटल कहते हैं इंग्लिश में। और जो सबसे निम्न वाली परत होती है इसको बोलते हैं अंतरतम, अंतरतम, और अंतरतम को इंग्लिश में बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। तो पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है, मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने बताया पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, जबकि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, 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 समझ जाइए क्रस्ट की बात हो रही है, ऊपरी परत का घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, जबकि पृथ्वी की आंतरिक परत, आंतरिक मतलब अंतरतम, जबकि पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व, जबकि पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व 11 पॉइंट कुछ है, तो मैं सीधा सीधा चलूं राउंड कर में 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है। अब बताइएगा ऊपर वाली परत का घनत्व कितना है 3 और नीचे वाली परत का घनत्व है 11, तो मतलब बीच वाली परत में घनत्व ऊपर वाली परत से अधिक ही होना चाहिए और इससे अधिक है नीचे। मतलब कहने का यह है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। कुल मिला के कहने का मतलब इतना है, यह पृथ्वी है, यह सेंटर है, यह पृथ्वी है और यहां पर क्या है, तो यहां पर सेंटर है और यहां पर सेंटर है और साथ ही साथ यहां पर क्या है, तो यहां पर सरफेस है, यहां पर क्या है, तो यहां पर सरफेस है। अब हम ऐसा देखते हैं कि अंदर की परतों में जाने पर, मैंने कहा कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। अब यह जो घनत्व में वृद्धि हो रही है इसके दो कारण हो सकते हैं। अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है पृथ्वी की, इसके दो रीजन हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, पहला रीजन यह बताया गया कि अच्छे समझिएगा, पहला रीजन यह बताया गया कि
पहला रीजन यह बताया गया कि प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने नीचे वाली चट्टान पर दबाव डालती है, प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने नीचे वाली चट्टान पर दबाव डालती है, और जब नीचे वाली चट्टान पर दबाव डालेगी तो डेफिनेटली घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि दाब और घनत्व एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। जहां पर दाब अधिक होगा वहां पर घनत्व भी अधिक होगा, जहां पर दाब अधिक होगा वहां पर घनत्व भी क्या होगा, वहां पर घनत्व भी अधिक होगा। तो पहली बात तो ये कही गई कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में, पृथ्वी की या पृथ्वी की ऊपर वाली चट्टान, पृथ्वी की ऊपरी चट्टान अपनी निचली चट्टान पर, अपनी निचली चट्टान पर, निचली चट्टान पर दाब डालती है, दाब डालती है या भार डालती है, दाब डालती है या भार डालती है। तो जब यह नीचे वाली चट्टान पर दाब डालेगी या भार डालेगी ऊपर वाली चट्टान, तो दाब या भार डालने के कारण घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मैंने कहा कि पृथ्वी की ऊपरी चट्टान अपनी निचली चट्टान पर दाब डालती है या भार डालती है, तो दाब या भार डालने से क्या हो जाता है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कही गई कि घनत्व में वृद्धि होने का दूसरा रीजन भी बताया गया, और दूसरा रीजन घनत्व में वृद्धि होने का यह बताया गया कि पृथ्वी के केंद्र में, कि पृथ्वी के केंद्र में अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती हैं, अधिक घनत्व वाली धातुएं जैसे आयरन और निकल पाया जाता है। तो अधिक घनत्व वाली धातुएं पाए जाने के कारण, अच्छे समझिएगा, अधिक घनत्व वाली धातुएं पाए जाने के कारण यहां पर क्या होगा, घनत्व अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसी धातुएं पाई जा रही हैं जो भारी हैं, और जो धातु भारी होती है उसका घनत्व डेफिनेटली क्या होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, घनत्व में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि क्योंकि अंदर की परतों में, क्योंकि अंदर की परतों में, क्योंकि अंदर की परतों में अधिक घनत्व वाली धातुएं, अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती हैं, अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती हैं, ठीक ना। दो बातें हो गई कि पृथ्वी का, हमने कहा कि पृथ्वी के अंदर की परतों का घनत्व बढ़ रहा है, तो घनत्व में वृद्धि होने के दो रीजन बताए जा सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी चट्टान अपनी निचली चट्टान पर दाब या भार डाल रही होगी, जब यह अपना दाब या भार डाल रही होगी तो क्या होगा, अंदर का घनत्व बढ़ जाएगा, अंदर की परतों का घनत्व बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा भी कहा गया कि चूंकि अंदर की परतों में अधिक भारी धातुएं जैसे निकल और आयरन पाए जाते हैं, और अधिक भारी धातुएं पाए जाने के कारण ही, अधिक भारी धातुएं पाए जाने के कारण ही अंदर की परतों का घनत्व अधिक हो जाना चाहिए, अंदर की परतों का घनत्व क्या हो जाना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए, ठीक ना। दो बातें आपसे कहेंगे। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन से हमें इतनी जानकारी मिल सकी कि अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब घनत्व में वृद्धि होने का तीसरा रीजन भी बताया गया, घनत्व में वृद्धि होने का एक और रीजन बताया गया, जिसको मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगले पेज में घनत्व के अधिक होने का एक रीजन और बताया गया, और रीजन ए बताया गया, तीसरा रीजन यह बताया गया कि जो घनत्व है डी, इसका द्रव्यमान और आयतन का यह अनुपात होता है, यानी डी का मतलब तो यहां पर घनत्व है, डी का मतलब यहां पर डेंसिटी अर्थात घनत्व है, एम का मतलब यहां पर मास अर्थात द्रव्यमान है, एन का मतलब मास अर्थात द्रव्यमान है, और वी का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन है, वॉल्यूम यानी आयतन है, वॉल्यूम यानी क्या है, आयतन है, ठीक ना। तो डी बराबर एम अपॉन वी होता है। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान को नियत मान लें, अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान, चाहे आप ऊपर वाली परतों में रहिए चाहे नीचे वाली परतों में रहिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान प्रत्येक जगह एक समान माना जाएगा, एक समान माना क्या जाएगा, एक समान होता है। तो अगर पृथ्वी के द्रव्यमान को हम नियत मान लें, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है
कि घनत्व का विपरीत संबंध है आयतन से, कि घनत्व का विपरीत संबंध होता है किससे, घनत्व का विपरीत संबंध होता है आयतन से, घनत्व का विपरीत संबंध होता है आयतन से। अगर आप पृथ्वी के अंदर की परतों में जाएंगे, यहां देखिएगा, अगर आप पृथ्वी के अंदर की परतों में जाएंगे तो प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने नीचे वाली चट्टान पर क्या डाल रही है, दाब डाल रही है। जब प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने निचली वाली चट्टान पर दाब डालेगी, प्रेशर डालेगी, तो अंदर स्पेस नहीं पाया जाएगा। अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, तो अंदर स्पेस नहीं पाया जाएगा। और जब पृथ्वी के अंदर स्पेस नहीं होगा अर्थात आयतन नहीं होगा, तो यहां से इस समीकरण के आधार पर आयतन में कमी आने पर घनत्व में क्या हो जाएगी, आयतन में कमी आने से घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। आपको हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं, याद रखिएगा, ये है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यहां पर जो आपका दिख रहा है हरा हरा, यहां पर हम और आप हैं, घास के मैदान है, एक परत है, एक परत है, एक परत है, तीन परतें इसमें बनाई गई हैं, तीन परतें इसमें बनाई गई हैं। तो आप देखिएगा, हम और आप ऊपर वाली क्या अंदर बताइएगा, आपको इस पे दिखेगा या इस वाली में भी देख सकते हैं, ऊपर वाली परत, निचली वाली परत, उसके नीचे परत, उसके नीचे परत, तो यहां पर कहीं पर भी स्पेस नहीं है। और जब पृथ्वी के अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस का मतलब जब पृथ्वी के अंदर आयतन नहीं है, तो आयतन में कमी आ रही है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे आयतन में कमी होगी, और इस समीकरण के आधार पर आयतन में कमी होने से घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अंदर की परतों में स्पेस, अंदर की परतों में स्पेस, ठीक ना, अंदर की परतों में स्पेस यानी आयतन ना होने के कारण, आयतन ना होने के कारण या आयतन का अभाव होने के कारण, आयतन का अभाव होने के कारण, आयतन का अभाव होने के कारण घनत्व में वृद्धि होगी। एक यही बताया गया और यही सबसे सटीक है, ये विज्ञान पर आधारित है। देखिएगा, ए डी बराबर एम अपॉन वी जो फॉर्मूला होता है, ये विज्ञान का है, भूगोल का है, विज्ञान के फॉर्मूले है, तो विज्ञान पर आधारित अध्ययन है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया गया, भू आकृति विज्ञान। इस वाली बात को याद रखिएगा, सबसे बाद में जो हमने बताई है ये कई बार यूज होगी, यह कई बार यूज होगी। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन से केवल हमें इतना पता चल पाया है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होगी, और घनत्व में वृद्धि एक कारण ये है, एक कारण ये है, और एक कारण और मैंने बताया कि ऊपर की परतें नीचे परतों पर दबाव डाल रहे होंगे, तो दाब में वृद्धि से घनत्व में वृद्धि होगी, या फिर पृथ्वी के अंदर की परतों में भारी धातुएं पाई जा रही हैं जैसे निकल और आयरन, तो भारी धातुएं के पाए जाने के कारण अंदर का घनत्व अधिक हो सकता है। और तीसरा कि घनत्व का आयतन से विपरीत संबंध होता है, अंदर की परतों में स्पेस नहीं है अर्थात आयतन नहीं है, जब अंदर की परतों में आयतन नहीं है तो घनत्व में क्या होगी, तो घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। तो यह हमारा घनत्व पर आधारित अध्ययन था, इस पर आधारित घनत्व। अब करते हैं हम दाब पर आधारित अध्ययन। ये दाब पर आधारित अध्ययन बड़ा सिंपल सा है, दाब पर आधारित अध्ययन बड़ा सिंपल सा है, और बहुत जल्दी जितना मेहनत लगना था इसी में लगना था। अब यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर हम बात करते हैं दाब पर या दबाव पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, तो अगर दाब पर आधारित अध्ययन की बात की जाए, तो हमने आपसे कहा है कि पृथ्वी चट्टानों से निर्मित है, पृथ्वी चट्टानों से निर्मित है, प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने निचले वाली चट्टान पर क्या डालती है, प्रेशर लगा रही है, अपना भार डाल रही है। अब बताइएगा, अगर ऊपर वाली चट्टान निचले वाली चट्टान पर भार डाल रही है, तो ऊपर की परतों में कम दाब होगा, जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने निचले वाली चट्टान पर दाब डालती जाएगी, जिसके कारण से अंदर की परतों में दाब अधिक हो जाएगा। तो दाब पर आधारित अध्ययन से हमें यह पता चला कि प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपनी निचली चट्टान पर
दाब डालती है अपनी निचली चट्टान पर, दाब डालती है जिससे अंदर की परतों में, जिससे अंदर की परतों में, जिससे अंदर की परतों में दाब अधिक हो जाता है, जिससे अंदर की परतों में दाब अधिक हो जाता है, अंदर की परतों में क्या हो जाता है, जिससे अंदर की परतों में दाब अधिक हो जाता है, ठीक ना। तो दाब पर आधारित अध्ययन से केवल हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकी है कि जैसे जैसे अंदर की परतों में जाएंगे वैसे वैसे दाब में क्या होती जाएगी, जैसे जैसे अंदर की परतों में जाएंगे वैसे वैसे दाब में क्या होती जाएगी, वैसे वैसे दाब में वृद्धि होती जाएगी, ठीक ना। और दाब में अगर वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, अगर दाब अधिक होता जाएगा तो यहां पर आयतन में क्या आती जाएगी, आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी, क्योंकि जहां पर प्रेशर अधिक रहेगा वहां पर आयतन अधिक नहीं हो सकता है। तो दाब अधिक हो जाएगा तो आयतन में कमी आएगी, और आयतन और घनत्व का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है, तो आयतन में कमी आने से घनत्व में क्या हो जाएगी, घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। आयतन में कमी आने से घनत्व में क्या हो जाएगी, तो घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। इस बात को नोट कर लेना है, ठीक ना, चलेगा। अब एक हमारा अध्ययन और रह गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तापमान पर आधारित अध्ययन। किस पर आधारित है, तो तापमान पर आधारित अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, ठीक ना, टेम्परेचर, तापमान पर आधारित अध्ययन। यहां पर मैं एक पृथ्वी बना लेता हूं, यहां पर एक मैं पृथ्वी बना देता हूं, ठीक ना, यहां पर सरफेस है और इस सेंटर है। तापमान पर आधारित अध्ययन, तो तापमान पर आधारित अध्ययन में यह है कि जैसे जैसे तापमान पर आधारित अध्ययन में यह है कि जैसे जैसे आप धरातल पर, जैसे जैसे आप अंदर की परतों में जाएंगे, अंदर की परतों में जाने पर, अंदर की परतों में जाने पर, अंदर की परतों में जा, और जब दाब में वृद्धि होगी तो प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने नीचे वाली चट्टान पर दाब लगाएगी, तो दाब में वृद्धि के साथ साथ जब कोई भी पदार्थ एक दूसरे पर दाब लगाता है तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर एक कुंभ का एक लोहार, या सामान्य तौर पर हम कहें कि आपके पास एक हथौड़ा है, अगर आप उस हथौड़ी से किसी पदार्थ पर प्रेशर करते हैं तो बताइएगा टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, सामान्य सी बात है। तो दाब में वृद्धि होने से तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब कितनी वृद्धि होगी, सामान्यतः जैसे जैसे आप धरातल के अंदर की परतों में जाते हैं लगभग 32 मीटर की गहराई पर, लगभग 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, लगभग 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाती है, 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है आर, ये होती है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर होती है। तो 32 मीटर अगर आप अंदर जा रहे हैं तो एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, और सामान्य नियम के अनुसार लगभग 100 किलोमीटर तक, लगभग 100 किलोमीटर तक, किलोमीटर तक, यह प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रत्येक एक किलोमीटर पर यह टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां तक, 100 किलोमीटर तक। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा भाषा डिफिकल्ट हो रही है, मैं सिंपल करता हूं, देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां से आप 100 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 100 किलोमीटर, तो प्रत्येक एक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाएगा, प्रत्येक एक किलोमीटर पर कितना बढ़ता जाएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन 100 किलोमीटर के बाद यह लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है, उसके बाद इसमें क्या आने लगती, धीरे धीरे कमी। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता तो है लेकिन प्रत्येक गहराई पर टेम्परेचर नियत नहीं है, यह बदलता रहता है, ठीक ना।
तापमान बढ़ता तो है परंतु परंतु प्रत्येक गहराई पर इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। कैसे परिवर्तन होता है? सतह से 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। 100 किलोमीटर के बाद यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने लगता है, उसके बाद और भी कम तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। किसमें? बढ़ोतरी में कमी आने लगती है। तो यहां पर सीधा सा सिस्टम यह है कि अंदर की परतों में यदि आप जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन प्रत्येक गहराई पर एक नियत तापमान नहीं होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। कई जगह पर ऐसा होगा 100 किलोमीटर तापमान प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ेगा, उसके बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ेगा। लगभग 2500 किलोमीटर की गहराई में कितने किलोमीटर गहराई में? तो लगभग 2500 किलोमीटर की गहराई में लगभग 2500 किलोमीटर की गहराई में यह तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 2500 किलोमीटर कितनी है त्रिज्या? 6371। तो 2500 किलोमीटर की गहराई में लगभग यह टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हो जाता है। अब आप बताइएगा, यदि लगभग 2500 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी के अंदर लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी पृथ्वी के अंदर लगभग 2500 किलोमीटर गहराई में यदि टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या पृथ्वी के अंदर के पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इतना अधिक तापमान हो जाएगा पृथ्वी के अंदर, इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि वह अधिक तापमान किसी भी पदार्थ को ठोस अवस्था में नहीं रहने देगा, बल्कि वह तापमान उस ठोस को लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, तापमान अधिक होने के कारण, ठीक ना, तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी के अंदर के पदार्थ पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर अधिक होने के कारण पृथ्वी के अंदर द्रव है, ठीक ना, पृथ्वी के अंदर क्या है? द्रव। अब समझिएगा, द्रव्य जो होता है, मैटर जो होता है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं साइंस से। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्थान कौन घेरता है? गैस। इसके लिए अधिक आयतन की आवश्यकता होती है। जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर यहां पर थोड़ा सा स्प्रे लाया जाए, बॉडी स्प्रे या रूम स्प्रे, कुछ भी बॉडी स्प्रे या रूम स्प्रे एक प्रकार गैस है, उसे थोड़ा सा दबाइएगा आप, उसका थोड़ा सा बटन दबाइएगा, अब देखिएगा पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाएगी। यानी गैस बहुत जल्दी आयतन घेरती है, या गैस के लिए आयतन अधिक होना चाहिए, द्रव उससे कम। अगर आप एक बाल्टी पानी लाएंगे तो हो सकता है इस पूरे कमरे में आ जाए, लेकिन एक बाल्टी जितना आप ठोस लाएंगे तो हो सकता है वो पूरे कमरे में आराम से आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर द्रव होगा वहां पर स्पेस अधिक होना चाहिए, जबकि मैंने आपको यह समझाया है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में स्पेस नहीं है। अब आप समझिएगा यहां पर मैं कहानी क्या हो रही है, कहानी ये होती जा रही है कि ये कह रहा है ताप के आधार पर कहा जा रहा है पृथ्वी के अंदर द्रव है, और यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर आयतन का अभाव है, पृथ्वी के अंदर आयतन का अभाव है, पृथ्वी के अंदर आयतन का अभाव है। और जब पृथ्वी के अंदर आयतन का अभाव है तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में ही रहेंगे, वह द्रव अवस्था में नहीं आ सकते। तो वह किस अवस्था में रहेंगे? वह ठोस ही अवस्था में रहेंगे और द्रव अवस्था में नहीं आ सकते हैं। अब समझिएगा बात हो क्या रही, बात हो रही है कि तापमान पर आधारित अध्ययन से हमें यह पता चला कि पृथ्वी के अंदर द्रव होना चाहिए, और घनत्व के आधार पर यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर भारी भारी धातुएं हैं, भारी धातुएं हैं और भारी धातु में निकल और आयरन है। अब समझिएगा जल द्रव, द्रव अगर है तो द्रव के अगर हम घनत्व की बात करें तो बहुत कम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगभग 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व पाया जा रहा है, जबकि जल का घनत्व तो लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो पृथ्वी के अंदर की परतों का घनत्व अधिक होना यह साबित कर देता है कि पृथ्वी के अंदर ठोस नहीं रह सकता, कि पृथ्वी के अंदर ठोस नहीं, सॉरी, पृथ्वी के अंदर द्रव नहीं रह सकता। पृथ्वी के अंदर क्या होना चाहिए? ठोस, पहली बात। दूसरी बात यह निकल के आती है कि पृथ्वी के अंदर ठोस कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की परतों में इतना अधिक तापमान है कि कोई भी वस्तु वहां पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है। ये तापमान पर आधारित अध्ययन है। तीसरा, दाब के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान जो अपने नीचे वाली चट्टान पर दाब डाल रही है, तो दाब अधिक होने के कारण कोई भी पदार्थ द्रवित अवस्था में या गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाएगा, वह केवल ठोस अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि प्रेशर अधिक है, प्रेशर अधिक है। तो यहां से तो अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, चाहे ताप हो, चाहे दाब हो, चाहे घनत्व हो, इसके आधार पर तो अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। ठोस या सॉरी अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। यहां पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित घनत्व ये कहता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। ठोस इसलिए होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर आयतन नहीं है, पृथ्वी के अंदर आयतन नहीं है, तो आयतन नहीं इसलिए ठोस होना चाहिए। दाब ये कहता है कि प्रत्येक ऊपर वाली चट्टान अपने नीचे वाली चट्टान पर प्रेशर डाल रही है, प्रेशर डालने के कारण कोई भी पदार्थ वहां पर द्रवित अवस्था में नहीं रह सकते हैं, अर्थात यह भी किसकी बात कर रही है? यह भी बात कर रही है ठोस की। और तापमान कहता है कि जब पृथ्वी के अंदर की परतों में इतना अधिक तापमान हो जाएगा तो क्या कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाएगा? तो यह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाएगा, तापमान अधिक होने के कारण यह किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव। तो आप प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक परतों का अध्ययन करते हैं तो दो अध्ययन यह कहते हैं कि ठोस होना चाहिए और एक अध्ययन यह कहता है कि द्रव होना चाहिए। अब यहां पर एक कहानी और है। अब अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर तो पता नहीं चला, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर हम दो चीज, दो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। एक है ज्वालामुखी प्रक्रिया और दूसरी है आपकी कौन सी प्रक्रिया? तो दूसरा आपका भूकंप की प्रक्रिया, दूसरी भूकंप। अगर हम देखें अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, घनत्व के अनुसार ठोस होना चाहिए, दबाव के अनुसार ठोस होना चाहिए, लेकिन तापमान के आधार पर द्रव होना चाहिए। अब बताइएगा पृथ्वी पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी होती हैं और ज्वालामुखी प्रक्रिया में धरातल से लिक्विड निकलता है जिसको हम लावा कहते हैं। अगर पृथ्वी पर द्रव नहीं है, अंदर के भागों में द्रव है नहीं, तो फिर द्रव आया कैसे? अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी के अंदर की परतों में जब लिक्विड पाया ही नहीं जाएगा तो ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जबकि स्थिति विपरीत है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं तो होती हैं। तो अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर हमें सही रूप से यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के अंदर में आखिरकार है क्या, ठोस है कि द्रव है या गैस है। तो इसीलिए अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर जब हमें यह बातें पता नहीं चल सकी तो हमने किसके आधार पर अध्ययन किया? तो हमने अध्ययन किया प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर। तो हमने किसके आधार पर अध्ययन किया? तो हमने अध्ययन किया प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, हमने इसका अध्ययन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अप्राकृतिक स्रोतों पर अध्ययन की आपसे चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, मैंने बहुत तसल्ली पूर्वक समझाया है। बकाया स्टेजिटी पीजीटी के बैच से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर एंट्री पीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ अपना सब्जेक्ट लिखकर सेंड करना है। स्क्रॉलिंग में हमारे नंबर चल रहे हैं, ये हमारे संस्थान के नंबर है, हमारे काउंसलर्स के, आप कोई भी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर
अध्ययन करेंगे हम प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन। ठीक है, थैंक यू।